अब राजस्थान में पहले हमारे बच्चे जाते थे पूना महाराष्ट्र कर्नाटक के अंदर। 25 साल पहले आपके आशीर्वाद से मुझे पहली बार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उस पर जो हमने फैसले किए आज उसका बता दीजिए काम कौन गया। उधर शिक्षा का बहुत कम पढ़े डेट था लिटरेसी का आज बहुत बड़ा जंप हुआ है। उस वक्त में राज्य में राजनीति का फर्क हो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर अलग किया आज इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी फिर 6 यूनिवर्सिटी थी मेरे राज्य में आज 96 यूनिवर्सिटी राजस्थान में। मैं नहीं कहता सब एक बार नहीं होगी कमी भी होगी कि कमी सुधार लेंगे वरना बंद हो जाएगा भी ये तो परफॉर्मेंस पर है। पर ये जो सेक्टर बदलाव आया IIT IIM ट्रिपल IIT एम्स जोधपुर में आर्मी यूनिवर्सिटी आज़ादी के बाद में सुनिएगा आज़ादी के बाद में पहली यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर आर्मी भी आज़ादी के बाद अमेरिका राज में ज्ञाननगर में यूनिवर्सिटी थी गुजरात के अंदर से आर्मी मैंने खोली है पहली बार और शानदार कैंपस बन गए जोधपुर के अंदर आप देखेगा। लॉ यूनिवर्सिटी बना दी हम लोगों ने लॉ यूनिवर्सिटी बना दी जनरल यूनिवर्सिटी बना दी हमने हर एक पिछली गवर्नमेंट बंद कर दी थी लॉ यूनिवर्सिटी बंद कर दी और लोग कहते हैं मैं सुंदर मिले हुए हैं काम मिल रहे हैं बताओ ये सब काम को बंद कर दिया उन्होंने रिफाइनरी बंद कर दी रिफाइनरी बंद कर दी 38,000 की रिफाइनरी आज बहुत 1,000 करोड़ बनेगी बताइए आप ये क्या एक काम के वसुंधरा जी ने और मोदी जी गवर्नमेंट ने ये भारत सरकार के स्पेशल साथ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम साथ है उसके और उसको आपने बंद कर दिया। विश्वविद्यालय बनने वाले कभी बंद नहीं हुए यूजी वाले कहते हैं सर यूनिवर्सिटी एक्ट बन जाता है यूनिवर्सिटी बनने का कभी बंद नहीं हुए। पहली बार वसुंधरा जी ने जनरल हरदेव जोशी के नाम से मैंने बनाई थी हरदेव जोशी खाली मुख्यमंत्री नहीं थे 3 बार है वो पत्रकार भी थे वो सूचना बनाई और वो बाद में बंद कर दी गई एक्ट को लाके पास कर दिया गया बंद कर दिया गया डॉक्टर अम्बेडकर के नाम यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई वापस मैंने आगे आने के बाद में वापस एक्ट बनाया आज शानदार बिल्डिंग खड़ी हो रही है लेकिन आपका ये मैं क्यों कह रहा था आपको कि हमारे गवर्नमेंट की सोच सकारात्मक रहती है उन पिछली सरकार की सोच नकारात्मक रहती है उनकी फितर यही है वो नेगेटिव सोचते हैं दुश्मनी निकालते हैं तनाव पैदा करते हैं सहन नहीं करते उनकी टॉलरेंस पर बहुत कम है। लोकतंत्र मांग करता है टॉलरेंस की लोकतंत्र का सबसे गहरा संबंध टॉलरेंस है आलोचना करो आप देशद्रोही हो मैं कहता हूँ मैं आलोचना का स्वागत करता हूँ अगर वो तथ्य में आधार हो सच्चाई कर दो क्यों स्वागत करता हूँ कि मैं उसे सुधार कर लूँगा अपने आप के अंदर